और इधर रोहतास के अनुमंडल क्षेत्र विक्रमगंज के कारकाट प्रखंड स्थानीय पत्रकारों को उस समय अपहरण कर लिया गया जब वे खनन विभाग के द्वारा जब्त किए गए ट्रकों की खबर जुटा रहे थे। वही घटना काराकाट प्रखंड के सुखरा गांव के करीब बताया जा रहा है, जहां चिमनी भट्टे के पास 5 की संख्या में अवैध बालू लदे ट्रक को खनन विभाग के द्वारा जब्त किया गया था। तो पत्रकार का कहना है कि ट्रक और खनन विभाग के बीच मैनेज की बात चल रही थी, लेकिन मेरे द्वारा वीडियो बनाए जाने पर वे लोग भड़क गए और हम पर दबाव बनाने लगे, तो मेरा वीडियो डिलीट भी कर दिया गया। इसके बावजूद वे लोग नहीं माने और मैं आगे बढ़ा तो कुछ दूरी के बाद सभी स्कॉर्पियो गाड़ी से मेरा अपहरण करने के लिए दूसरे जिले में ले गए और जान से मारने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी तरह से गांव के लोगों के द्वारा यहां हंगामा करने के बाद घायल अवस्था में गांव के बाहर लाकर छोड़ दिया गया। इस घटना से आसपास के इलाकों में तनाव और लोग चौथे स्तंभ को खतरे में देख लोकतंत्र को खतरे में गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। मामला जो अच्छा आप ही को इसमें उठाया बदमाशी सब करता है लाइनर लोग का। शुरू से आपके साथ में जो हुआ है वो पहले बताएं, क्या हुआ है आपके साथ यहाँ? रुक जाइए ना, अभी रुक जाइए, थोड़ा सा इनको ले जाके आप इंटरव्यू साइड में करिए। जाइए जाइए, लेके जाइए, चलिए ले जाइए, रुक जाइए, बताइए शुरू से क्या हुआ है आपके साथ में? यहाँ आए हैं तो किस प्रकार से जो है आपके साथ में आघात थे? तो सूचना आया कि सूर्यवंश मुखिया जी के भट्टा पर 5 गो गाड़ी खनन विभाग पकड़ी है। हम अपना थाना प्रभारी फूलदेव चौधरी से फोन किए तो बोले कि हाँ खनन विभाग वहाँ 5 गो गाड़ी पकड़ी है। तो हम कहे हम यहाँ आए भट्टा पर, तो हम यहाँ गए, ये लोग सब पुलिस सब लोग बैठे थे। तो यहाँ से हम वीडियो वहाँ बनाए गाड़ी के, अगर बाद ये लोग बोले कि आप बैठिए। क्या मामला? देखिए मामला जो हमको जैसा कि अभी पता चला है कि अशोक जी हैं, वो आए थे कुछ काम से, जो भी मीडिया का जो भी काम हो आए हुए थे, कि इनको कुछ असामाजिक लोग हैं जिनको ये जानते हैं, इनके द्वारा अभद्र व्यवहार करके से यहाँ से उठा लिया गया था। बाद में इनको छोड़ भी दिया गया। अब इनके द्वारा जिस तरह की कंप्लेंट किया जाएगा उस तो हम लोग करेंगे, और जो भी कार्रवाई उचित होगा हम लोग करेंगे उसमें। ये क्षेत्र आपका? मेरा क्षेत्र।